फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। पूरी उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की है अपने एसकेटी एग्जाम की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्टोर कीपर टेक्निकल का पेपर, उसमें मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सिलेबस को मैं कवर कर सकूँ और आपको मैं पढ़ाई करवा सकूँ, लेकिन फिर भी पूरी आपकी तकदीर और तदबीर रहेगी। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया कि मैम एक मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए, पढ़ाई हो गई अब एक मोटिवेशनल वीडियो होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आपको हमेशा मोटिवेशन है, एनर्जेटिक रहो, सब चिंता छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, कूल एंड काम डाउन। एक बेहतरीन पेपर करने के लिए बेहतरीन तैयारी तो जरूरी है ही है, एक बेहतरीन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में मैं आपको यही चीज समझाने वाली हूँ। देखो, बहुत प्रेशर मत लो अपने माइंड पे। अगर बहुत वजन डाल दिया ना तो बहुत सारी चीजें मिक्स कर जाओगे। नहीं, अभी ये टाइम बहुत क्रूशियल है। आज 29th हो चुकी है, 31st को आपका पेपर है, कल आप मूव करोगे, हो सकता है सेंटर आपके सिटी में ना आया हो और आपको इधर से उधर जाना हो, तो आज ही का टाइम है आपके पास में। और ये टाइम ऐसा है जहां आपको रिवाइज भी करना है और अपने आप को बैलेंस भी करना है। बोलना बहुत आसान है, जिस पर बीतती है वही जानता है, मैं जानती हूं ये चीज, लेकिन फिर भी बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एल्डर सिस्टर ऑफ यू ऑल, आई एम सजेस्टिंग कि अपने आप को संतुलित करो। जरूरी है, दिस इज द नीड ऑफ टाइम। जो भी पढ़ लिया कोई गारंटी नहीं है कि यही आएगा, घूम के आएगा, कि जो पेपर आएगा आप उसमें अपने आप को रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या टाइम आपको साथ देगा, क्या तकदीर आपकी साथ देगी, सारी चीजें। लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करो, शांत करो अपने मन को, और बहुत ज्यादा उम्मीदें मत करना कि मेरा ये पेपर मुझे पास करना ही है। मैं कभी नहीं कहूंगी, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगी कि आप सबका पेपर आप क्वालिफाई करें, लेकिन अपने आप पे, अपने दिमाग पे वजन मत डालो, प्रेशर मत क्रिएट करो। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन हमेशा तकलीफें देती है। आप अपनी तरफ से बेस्ट करके आओ, जो आप कर सकते हो वो सब करो, तैयारी के मामले में भी और एग्जाम देने के टाइम पे भी, दोनों ही मामलों में अपनी तरफ से बेस्ट करो और बाकी सब छोड़ दो। जो होगा बेहतरीन होगा। अगर होता है आपका सिलेक्शन, वेरी वेल, बहुत ही बढ़िया बात होगी, आई एम ऑलवेज विद यू। अगर नहीं भी होता है तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही। हमेशा ध्यान रखो इस बात को, हमेशा अपने दिमाग में रखो, अपनी तरफ से बेस्ट कर्म करो, फल की इच्छा मत। मैं एक्चुअली यही करती हूँ। हो सकता है आपको मेरा ये बात फिलोसफिकल लगे या शायद ज्यादा दार्शनिक लगे, लेकिन मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही है। मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं करती अपने आप से, ना ही परिस्थितियों से। जो होता है, जितना होता है और जब होता है, वो आपके लिखे गए कर्मों के अनुसार ही होता है। आपको मिलेगा अगर आपके हिस्से का है तो, कोई नहीं लेके जाएगा। और अगर किसी भी दूसरे के हिस्से पे आपने कोशिश भी करी ना दिमाग लगाने की, तो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। इसलिए अपने आप को शांत करो, अपनी तैयारी करो, अपने पेपर के टाइम पे अपने माइंड को बैलेंस रखो। बहुत सालों बाद ये पेपर आपको हो रहा है, और 19 जो सितंबर को पेपर होने वाला था, अभी 31st अक्टूबर को हो रहा है, तो कई बच्चों के लिए तो ये भी एक चैलेंज है। जिन बच्चों ने 19 सितंबर के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लिया था, बीच में ये जो सवा महीने का लगभग गैप आया है, ये भी उनको डिस्टर्ब कर रहा है। कोई बात नहीं, जो हुआ बहुत बेहतरीन हुआ, बाकी सब चीजों पे मत दिमाग लगाओ, अपने सिलेबस को रिवाइज कर लो, अपना सिलेबस जो कहता है उसको रिवाइज कर लो। आपके पास में मेरे सारे वीडियोस हैं, आपने जरूर उसके नोट्स बनाए होंगे, उन नोट्स को एक बार दो बार बस गो थ्रू हो जाओ और कल शाम के बाद छोड़ दो। कल शाम के बाद आप उसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अब आपके लिए बैलेंस माइंड होना जरूरी है। अगर आपने तैयारी की है तो क्वेश्चन पेपर देखते ही आप रिलेट कर लोगे।
अगर आप ये सोचते हो कि लास्ट मोमेंट तक मैं उस किताब को या उस नोट्स को खोल के अपने दिमाग में बैठाता रहूं, तो मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी तकनीक है। मैं ऐसी तकनीक को बिल्कुल फॉलो नहीं करती, मैं प्रेफर भी नहीं करती। आप अपने आप को कुछ समय पहले उन सारी चीजों से अलग कर लो और कोशिश करो कि जो मुझे याद है मैं उसे जोड़ पाऊं। रिलेट करना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात, हाई एक्सपेक्टेशन अपने आप से भी मत करना और किसी संगठन से भी मत करना। और यही मैं आप सबके पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूंगी। हालांकि इस चैनल के जरिए आप लोग मुझसे जुड़े हो, आपके पेरेंट्स मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बीइंग अ टीचर मैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करती हूँ और उन्हें यही कहती हूँ, आप उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, होने दीजिए जो हो रहा है, और आप भी अपने आप पर बहुत प्रेशर मत दो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और अच्छा ही होगा जो भी होगा, इसी उम्मीद, इसी आशा और इसी भावना के साथ आज के वीडियो में इतना सही मैसेज देने के लिए मैंने आपकी क्लास ली है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। एक चीज और लास्ट में कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम पूरे इंडिया से, ना आप मुझे जानते हो ना मैं आपको जानती हूँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपस में जुड़े हैं। और ये एक एग्जाम था जिसकी वजह से हम आपस में जुड़ गए बाय चांस, नॉन इंटेंशनली। लेकिन फिर भी एक वादा आप सबको मुझे ये करना पड़ेगा कि जो चीज आपने सीखी है आप अपनी पूरी लाइफ में उसे अप्लाई करेंगे। अगर मेरी तरफ से आपने कुछ सीखा है, मैंने पूरी कोशिश करी है मैं आपको एक अच्छी चीज दे सकूं, और आपने कुछ सीखा है तो उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। दूसरा, हमेशा अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। आज अगर मुझे कुछ आता था तो मैंने सबको बताया है, कभी भी मॉनेटरी टर्म्स में उसे डायरेक्ट रिलेट मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। कभी सर्व करने की भी सोचो, सेवा देने की सोचो, और ये सेवा देखना कितनी मेवा देती है। ये जो दुआएं हैं वो बहुत बड़ी मेवा है। हमेशा अपने आप से जो आपसे बन सकता है वो दो, अगर ज्ञान है तो ज्ञान दे दो। मेरी तो यही कोशिश रहती है, और आपसे एक वादा लेना चाह रही हूँ कि इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो मेनली कॉमर्स ओरिएंटेड है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आप जानते हैं तो ये चीजें आप मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। मेरी तो इसी में तमन्ना पूरी हो जाती है कि जहां आप मेरी टीचिंग से अपने आप को बेनिफिट्स देते हो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली एंड डू द बेस्ट। अपने पेपर में छा जाओ, फोर डालो अपने पेपर को, और उम्मीद है जरूर अच्छा करोगे। और जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप जरूर मुझसे मिलना, मैं खुद आपसे चाहती हूँ। कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैम अगर मैं क्वालिफाई कर गया इस पेपर को तो मैं आपसे मिलने आऊंगा। यू आर ऑलवेज वेलकम टू माई सिटी जयपुर, दिल वालों की नगरी है जयपुर, आपका वेलकम रहेगा। और जरूर आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप कुछ अच्छा अचीव करें, भविष्य में आगे बढ़े और बहुत अच्छे इंसान बने, इसी कामना के साथ आपको आपकी परीक्षा की शुभकामनाएं। थैंक यू।